हाय गाइस, मैं आप सभी का इस वीडियो में एक बार बहुत स्वागत करता हूँ और मेरे चैनल पे भी। तो गाइस, जैसा कि मैंने मेरा पिछला वीडियो अपलोड किया था, सेमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर जो सर्वर है उस पर हम वायरस एंड स्पाइवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक ईमेल स्कैन, और मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं इससे पहले। तो जो नेक्स्ट उसमें हमारे पास ऑप्शन था वो है ईमेल स्कैन। तो ईमेल स्कैन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको अवेलेबल है, लाइक इंटरनेट ईमेल स्कैन प्रोटेक्शन, ऑटो प्रोटेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑटो प्रोटेक्ट, लूटस नोट ऑटो प्रोटेक्ट, तो इसको कैसे करके इनेबल करते हैं, इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेटेड वीडियोज ज़रूर मिलते रहेंगे। और अगर आपको सीखना है कि सेमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें कंप्लीट इसको कैसे शुरू से लेकर आखिरी तक कॉन्फ़िगर करते हैं, और कैसे मैंने किया है, एक वीडियो अपलोड किया है। उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेट की अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचेगा। गाइस, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इसमें अजूर, विंडोज सर्वर, बहुत सारी वीडियोस है, 350 वीडियो के आसपास है अलग अलग टेक्नोलॉजी पे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, जैसे कि इस टॉपिक में हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड में भी दिखाया कि हमारा टॉपिक है ईमेल स्कैन टुडे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखें तो विंडोज़ वायरस एंड स्पाइवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसीज, विंडोज़ सेटिंग, जो विंडोज़ सेटिंग के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। और मैंने बताया था कि विंडोज़ को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मैक को और लिनक्स को, ठीक है। तो ज़्यादातर तो हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो हमको विंडोज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ईमेल स्कैन में जाते हैं तो हमको तीन चीज़ें मिलती हैं, एक इंटरनेट ईमेल ऑटो प्रोटेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑटो प्रोटेक्ट, और लूटस ऑटो प्रोटेक्ट करके। जब हम उसके कंसोल में चले जाते हैं तो हमें इस तरीके का विंडो मिलता है, ठीक है। ये मेन विंडो रहता है, वहाँ पे मेन पेज आप ऐसे अगर जाएंगे तो मैंने पिछले वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है, सोनार क्या होता है, अर्ली लॉन्च एंटी मेलवेयर क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से। तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पे देखिए ईमेल स्कैन्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें है इंटरनेट ईमेल ऑटो प्रोटेक्ट। तो जब हम इस पर चले जाएंगे तो हमको ये ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट स्कैन डिटेल, तो इनेबल इंटरनेट इनेबल है या डिसेबल है, स्कैनिंग क्या स्कैन कर रहा है करके, फिर से एक्शन, नोटिफिकेशन एंड एडवांस। तो एक एक करके हम ये चीज़ देखेंगे इनके अंदर क्या होती है। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्वर है जिस पर मैंने इसको इंस्टॉल किया है, सेमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, तो मैं उसी सर्वर को यूज़ करूँगा इस पर, जो मैं पिछले वीडियोस में भी इसी पे बताया है कि सारा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इतना भी काफ़ी है मेरे लिए। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं सेमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन पे, तो इसके लिए पॉलिसी पे जाना है। पॉलिसी पे सबसे ऊपर ही हमारा ये पॉलिसी आती है, कौन सी, वायरस एंड स्पाइवेयर प्रोटेक्शन की पॉलिसी, ठीक है। तो यहीं पे हम देखेंगे इसको, इसके अंदर हम जाएंगे तो जो हम बैलेंस्ड वाला कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मैंने बैलेंस वाले को पिछले वीडियो में बताया ये तीनों में डिफरेंस क्या है करके, बैलेंस्ड, हाई सिक्योरिटी और हाई परफॉर्मेंस। तो हम देख रहे हैं ईमेल स्कैन ये वाला, ठीक है। तो इसमें अब अगर हम जाते हैं सपोज़, तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे स्कैन्स डिटेल आएगी, ठीक है। तो देखिए ये इनेबल है अभी, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल है तो आप इसको इनेबल करेंगे, और अगर डिसेबल कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। अब स्कैन ऑल फाइल्स, या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कुछ एक्सटेंशन लगा सकते हैं कि नहीं फाइल को आप स्कैन कीजिए करके, और यहाँ पे स्कैन फाइल्स इनसाइड कंप्रेस्ड फाइल, जैसे जिप हुआ या कंप्रेस्ड हुआ, उनको भी स्कैन करने के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक्शन की बात करते हैं,
एक्शन में देखिए, अगर उसको मेलवेयर मिला है, वायरस मिला, तो वो क्या करेगा? फिर से फाइल फर्स्ट एक्शन क्लीन करेगा या फिर उसको क्वांटराइन करेगा? यहाँ पे और भी ऑप्शन रहेंगे, डिलीट करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन मैंने पिछले इस वीडियो में भी बताया है, सपोज इंसर्ट अ वार्निंग इन टू अ ईमेल, तो हम यहाँ पे क्या है, वार्निंग ऐसे कॉन्फिगर कर सकते हैं कि ईमेल में उसको वार्निंग आए कि भाई यहाँ पे कुछ इस सिस्टम में वायरस है जो ईमेल से आया है, इस तरीके से हम कॉन्फिगर कर सकते हैं। उसके बाद में एडवांस, एडवांस में हमको क्या है, यहाँ पे ईमेल कॉन्फिगर कर सकते हैं हम, लाइक कनेक्शन सेटिंग, इनकमिंग मेल सर्वर यहाँ पे दे सकते हैं, आउटगोइंग मेल सर्वर, यूज़ डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, और इनक्रिप्शन टाइप, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन के लिए हम, ठीक है, ईमेल के लिए, या ईमेल आ रहे हैं तो इस पोर्ट से आना चाहिए, इस पोर्ट से जाना चाहिए, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहीं पे इसी वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये तो हमने इंटरनेट ईमेल के लिए बता दिया, सपोज़ इंटरनेट से कोई ईमेल आ रहा है उसके लिए हमने इतना प्रोटेक्शन लगाया। अब वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑटो प्रोटेक्ट की बात करें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहता है जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, तो कुछ सेटिंग्स क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड हो जाती है खुद ब खुद, तो इसमें भी वही है, इनेबल है कि नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगी, फाइल स्कैन कंप्रेस्ड और क्या उसको कॉन्फ़िगर करनी है, फिर यहाँ पे उसको क्या एक्शन लेना है, नोटिफिकेशन, फिर से हम यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, वार्निंग हो गई, सेंड ईमेल टू द सेंडर, यहाँ पे हम जो सेंडर है उसको भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेंड मेल टू अदर्स, तो यहाँ पे जाएंगे तो हमको ये ईमेल एड्रेस और मैसेज लिखना पड़ेगा कि भाई कुछ वार्निंग, ये वायरस आया है, जो हम यहाँ पे देख के मैसेज बॉडी में आपको जो टाइप करना हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में सेटिंग कर सकते हैं आउटलुक के लिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑटो प्रोटेक्ट में। अब उसी तरीके से लूटस, लूटस में क्या है, लूटस में भी लूटस इनेबल है कि नहीं, अगर हम लूटस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी सेम चीज़ें रहेंगी, एक्शन में फिर वही रहेगी, नोटिफिकेशन में। तो ये तीन चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इनेबल है कि नहीं है, अगर डिसेबल्ड है तो हमको इनेबल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि आज के टाइम पे वायरस और इनका कोई गारंटी नहीं है कहाँ से जाए क्या आ जाए, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए डीप में। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ग्लोबल स्कैन ऑप्शन, क्वारंटाइन और मिशेलिनियस, तो ये क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वारंटाइन, क्योंकि इसका नाम सुनता है लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता क्वारंटाइन क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव होगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये बाकी की चीज़ें भी पता चलेंगी। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, मैं ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा, मैं तो अभी जस्ट इसके बारे में बता रहा हूँ, सपोज़ अभी हम एक पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद में मैं बताऊँगा इस पॉलिसी को हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारी कमिंग वीडियो में आएगी। तो गाइस टिल देन बाय बाय।